आज की वीडियो में आपको अमिताभ बच्चन का ऐश्वर्या राय के लिए स्पेशल जेस्चर देने के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, बच्चन परिवार में इस समय काफी प्रॉब्लम सबके सामने आ रही हैं और यही बताया जा रहा था कि बच्चन परिवार इस समय टूट फूट का शिकार है और उनकी फैमिली टूट रही है। अभिषेक और ऐश्वर्या की डाइवोर्स हो रही है। जहां डाइवोर्स की खूब खबरें गर्म थी, वहीं अमिताभ बच्चन ने अपना एक स्वीट जेस्चर अपनी बहू रानी ऐश्वर्या के लिए शो किया है और इस स्वीट जेस्चर ने जहां थोड़ा बहुत ये दिखा दिया है कि फैमिली में अब भी पॉसिबिलिटी है कि पैचअप हो सकता है। अमिताभ बच्चन की बात करें तो अमिताभ बच्चन हमेशा से ही अपने शो कौन बनेगा करोड़पति को लेकर काफी फेमस हैं। वो शो में अपनी फैमिली और अपने बारे में कोई ना कोई ऐसी बातें जरूर शेयर करते रहते हैं जिससे फैंस उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। रिसेंटली हमने देखा कि कौन बनेगा करोड़पति का जो फाइनल कंटेस्टेंट था, जो हॉट सीट पर आके बैठा, उनकी मदर लैंग्वेज थी तुलु। कंटेस्टेंट जब हॉट सीट पर आके बैठा तो उनके फादर ने तुलु लैंग्वेज में अपने बेटे को बधाई दी और उनको कुछ कहा, जिस पर अमिताभ बच्चन ने काफी गौर से सुनने के बाद कहा कि आप तुलु लैंग्वेज बोल रहे हैं, आपने तुलु लैंग्वेज में क्या बोला है, आप प्लीज इसको ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने पर बताया गया कि वो अपने बेटे को डोंकी और हॉर्स कह रहे थे। आगे से कंटेस्टेंट का भी कहना था कि मेरे फादर हमेशा ही मुझे इस तरह के वर्ड्स यूज करते रहते हैं, लेकिन ये हम दोनों के बीच चलता रहता है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जहां अमिताभ बच्चन उन दोनों की बॉन्डिंग को लेकर बहुत खुश हुए, वहीं पर अमिताभ बच्चन का कहना था कि उनकी बहू रानी की भी मदर टंग तुलु है और वो अपनी बहू रानी को घर जाकर ये जरूर बताएंगे कि उन्होंने तुलु लैंग्वेज के 2 वर्ड्स सीख लिए हैं और वो ये वर्ड्स उनके सामने बोलकर भी दिखाएंगे। अमिताभ बच्चन ने कंटेस्टेंट के फादर को भी थैंक यू कहा और उनका कहना था कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे तुलु लैंग्वेज के 2 वर्ड सिखाए हैं। ये मैं अपनी बहू रानी को बोल तो नहीं सकता, लेकिन उनको ये जरूर जाके बताऊंगा कि मैंने 2 वर्ड सीखे हैं और फिर ये वर्ड्स मैं उनके साथ शेयर करूंगा। आप अमिताभ बच्चन के स्वीट जेस्चर को किस तरह से देखते हैं? क्या वो स्वीट जेस्चर के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि उनके घर में कोई लड़ाई नहीं है और सब कुछ नॉर्मल है? हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।